हेलो दोस्तों, मैं तमन्ना फ्रॉम कियारा टेक फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फोटोशॉप पे कोई भी बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जा सकता है एंड वो दूसरे कोई भी बैकग्राउंड पे कैसे मर्ज किया जा सकता है, वो भी कौन से अलग अलग टूल्स यूज करके किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलने। सबसे पहले हमें फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अभी हमें फाइल ऑप्शन में जाके न्यू पे क्लिक करना है, और जो विड्थ है इसको 1000 सेट करना है एंड हाइट 600। ओके, मेरे पास अभी बैकग्राउंड आ चुका है, बट ये अभी लॉक्ड है, इस पे कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप कोई भी इमेज इस पे नहीं लग सकते, तो इसीलिए हमें ओपन करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ का लॉक अभी निकल चुका है। ओके, तो अभी मैंने इमेजेस ऑलरेडी डेस्कटॉप पे ली रखी है, तो मैं अभी इसको फोटोशॉप में ड्रॉप करती हूँ। ओके, एंड एंटर प्रेस कर देना है। अभी जो ये इमेज है इसको आपको रेस्टराइज करना पड़ेगा, या इसकी अगर आप नहीं करते हो तो इस पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होता है, तो इस पे राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज लेयर करना है। अभी यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसमें से हमें मैग्नेटिक लासो टूल ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज इसमें मैजिक वैंड टूल वगैरह हम नहीं कर सकते, बिकॉज इसका बैकग्राउंड प्लेन नहीं है, तो मोस्ट ऑफ ऐसे टाइम पे आपको मैग्नेटिक लासो टूल ही यूज करना है। जितना जूम करके आप सिलेक्शन करोगे उतना अच्छा सिलेक्शन आपका होगा, जितना जूम आउट करके करोगे उतना ही उसका जो आउटलाइंस है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो ऐसे आपको सिलेक्शन करना है। एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आप देख सकते हो अभी सिलेक्शन हो चुका है। अभी मैं इसको इन्वर्स करूंगी और जो आउटसाइड का जो पोर्शन है उसको डिलीट करूंगी। सो उसके लिए मुझे शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हो अभी आउटसाइड का पोर्शन सिलेक्ट हो चुका है। सिंपली आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो उसका बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। अभी सिलेक्शन टूल कंट्रोल डी प्रेस करना है तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अभी इसको उठा के हम थोड़ा साइड में रखेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, और जो बैकग्राउंड भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है तो इसको भी हम फोटोशॉप में लेंगे ड्रॉप करके और फुल स्क्रीन में इसको सेट कर देंगे। फिर इसे भी एंटर प्रेस करना है, उस पर राइट क्लिक करना है लेयर पे एंड रेस्टराइज लेयर करना है, और अभी जो हमने फोटो का बैकग्राउंड निकाला था वो वाले लेयर को करंट लेयर पे ओवरलैप कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, वे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप उसको रिमूव कर सकते हो इरेजर से। सो इरेजर लेना है और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप इसको ऐसे हटा सकते हो। यस, ओके, तो अभी ये जो इमेज है भी ये जो इमेज है इसको हम जो आउटलाइन में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देंगे, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ये जो थोड़ा शार्पनेस होती है इमेज की, जो कि हमने क्रॉप करके लिया होता है उसका बैकग्राउंड रिमूव किया होता है, तो उसका जो वाइटनेस होता है एजेस में वो निकल जाता है। तो यहाँ पे ब्लर टूल है, उसमें से ब्लर टूल सेलेक्ट करना है और साइड में इसे अप्लाई कर देना है, तो जिससे कि ये इमेज बैकग्राउंड से मर्ज हो जाती है। यस, आप देख सकते हो इसे अभी रियल फोटो लगती है कि यही बैकग्राउंड पे फोटो क्लिक की गई है दोस्तों। तो इसी तरह आप कोई भी इमेज को किसी भी बैकग्राउंड पे रख सकते हो।
इसको अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो और इमेज को बड़ा भी कर सकते हो। एंटर प्रेस कर देना है और अभी हमारी ये इमेज रेडी हो चुकी है।